प्यारे विद्यार्थियों, मैं तेज करण चौहान, मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा, सह आचार्य इतिहास। आज के इस व्याख्यान में हम बीए तृतीय के पेपर सेकंड के अंतर्गत भारत में सूफी धर्म का विकास के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में सूफी धर्म का आगमन इस्लाम के साथ ही हुआ। सूफी शब्द के मूल स्रोत के संबंध में विद्वानों में काफ़ी मतभेद पाए जाते हैं। कुछ लोग इसे ग्रीक शब्द सोफिया का रूपांतर मानते हैं, जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि जो व्यक्ति पवित्र थे वे सूफी कहलाए। कुछ का ये मानना है कि मोहम्मद साहब द्वारा मदीना में बनवाई गई मस्जिद के बाहर सूफ अर्थात चबूतरे पर जिन ग्रह इन व्यक्तियों ने आकर शरण प्राप्त की थी तथा वे ईश्वर आराधना में लीन थे और पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनको सूफी कहा जाता है। अबू नसर अल इराज का ये मानना है कि सूफी शब्द सूफ अर्थात ऊन से निकला है। मोहम्मद साहब के बाद जो सन्यासी ऊन के कंबल ओढ़ कर घूमा करते थे तथा अपने मत का प्रचार करते थे वही सूफी कहलाते हैं। अधिकांश विद्वान इस अंतिम मत को मानते हैं, किंतु ग्रीक शब्द सोफिया से यह शब्द उद्भूत हुआ है। इस कथन में भी यथार्थता दिखाई देती है, क्योंकि सूफी अनुभव सिद्ध ज्ञान को ही महत्व देते हैं। सूफी धर्म की उत्पत्ति और विकास के बारे में भिन्न भिन्न धर्मावलंबियों में भिन्न भिन्न मत स्थापित हुए हैं, लेकिन सभी व्यक्ति एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपासना करते हैं। हालांकि इनके साधन भिन्न भिन्न हैं, आगे चलकर इन धर्मों से भी अनेक मत या संप्रदाय उत्पन्न हुए जो अपने आप को एक धर्म के रूप में प्रतिष्ठित करते हुए देखे जाते हैं। ऐसा ही एक धर्म है सूफी, जो इस्लाम से उत्पन्न हुआ है। सूफी मत को बहुत से सूफियों ने सबसे प्राचीन धर्म के रूप में माना है और बताते हैं कि इसके मूल प्रवर्तक स्वयं आदम या आदिम पुरुष थे। कुछ सूफी लोग इसके प्रथम प्रचारक हजरत मोहम्मद को मानते हैं और कुछ लोग इसके मौलिक सिद्धांतों का कुरान शरीफ में अभाव पाकर इसके प्रचार का श्रेय अली या किसी ऐसे महापुरुष को भी देते हैं जो पैगंबर के साथी रह चुके थे। इस मत के सिद्धांत कुरान शरीफ में न होने के कारण अधिकांश कट्टर मुसलमानों ने इसे विधर्मियों का मत ठहराते हुए इसकी निंदा की है। सरदार इकबाल अली शाह लिखते हैं कि सूफी शब्द मोहम्मद साहब के देहांत के लगभग 200 वर्ष बाद सत्ता में आया प्रतीत होता है। सूफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 869 ईस्वी में बसरा के निवासी जिहाज द्वारा किया गया था, परंतु जामी का ये मानना है कि सर्वप्रथम 800 ईस्वी के आसपास कूफा के अबू हाशिम के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया था। वास्तव में इस शब्द का प्रचार 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में होना शुरू हुआ। ताराचंद सूफी मत के उद्गम के बारे में कुरान, मोहम्मद साहब के जीवन, ईसाई धर्म, अभिनव अफलातूनी हिंदू एवं बौद्ध धर्म और जरथुस्त्र को मानते हैं, किंतु अनेक विद्वान सूफी का इस्लाम से उत्पन्न हुआ नहीं मानते हैं। इस विषय में श्री रामधारी सिंह दिनकर के विचार महत्वपूर्ण है। उनका कहना है, यह मत इस्लाम के स्वाभाविक विकास का परिणाम नहीं है। इस मत पर अनेक विद्वान जोर देते हैं, किंतु सच बात यह है कि रहस्यवाद सभी धर्मों के ऊपर धर्म है, अतः यह सभी धर्मों के मूल में रहता है।
रहस्यवाद का कोई न कोई रूप हमें प्रत्येक धर्म में मिल जाता है। इन कथन के आधार पर यह माना जाना चाहिए कि विधि विधानों से मुंह मोड़कर इस विश्व की झलक पाकर जो रहस्य मुस्लिम साधकों ने व्यक्त किया, उसी के सामंजस्य का नाम सूफी मत है। सूफी एक रहस्यवाद है जो स्वतंत्र होते हुए भी मूलतः मुस्लिम संप्रदाय से ही संबंध रखता है। सूफीवाद के इतिहास में अबू याजिद अल बिस्तानी नामक सूफी का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने तसव्वुफ अर्थात अपने को मानसिक इच्छाओं से ऊपर करके हर चीज़ में भगवान का रूप देखना, जैसे चरम आनंद और जगतव्यापी ईश्वर को मानकर एक नवीन धारा उन्होंने प्रस्तुत की। उन्होंने कहा, मैं ईश्वर हूँ अतः मेरी उपासना करो। इस बात पर उलेमाओं ने उनका विरोध किया और उन्हें देश निकाला दिया गया। 857-875 ईस्वी में उनका देहांत हुआ। उसके पंथ का नाम तैफूरी पड़ा, जिसका फारस में काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। एक अन्य सूफी शेख जुनेद ने तसव्वुफ के पुराने विचारों का नए विचारों के साथ समन्वय करने का प्रयास किया। 910 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद मंसूर नामक संत ने उनके विचारों का प्रसार किया। इसी प्रकार हुसैन इन मंसूर अल हलाल नामक सूफी ने, जो तसव्वुफ़ के प्रकांड पंडित और तत्वज्ञानी थे, फारस, खुरासान, तुर्किस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत का उन्होंने भ्रमण किया और घोषित किया कि मानव ईश्वर का अवतार हो सकता है। ईश्वर की अनुभूति प्राप्त कर उन्होंने अनल हक, मैं ईश्वर हूँ का उद्घोष किया। फलत उन्हें न्यायालय ने फांसी की सजा दी। आगे चलकर इब्न उल अरबी और अब्दुल करीम जिल्ली ने भी उनकी विचारधारा का प्रसार किया। उलेमा लोग सूफी मत का विरोध करते थे क्योंकि सूफी मत इस्लाम की मान्यताओं के अनुकूल नहीं था। अतः अबू हामिद मोहम्मद अल गजाली नामक संत ने सूफीवाद को इस्लाम के अनुकूल करके उसके महत्व को बढ़ाया। भारत में सूफी संप्रदाय का विकास के बारे में ऐसी मान्यताएं हैं कि भारत पर मुसलमानों के प्रथम आक्रमण 769 ईस्वी से पूर्व सूफी संप्रदाय का भारत में प्रवेश हो चुका था। उमैया वंश के शासनकाल में अरब व्यापारियों के साथ सूफी फकीर भी दक्षिण भारत में आकर बस चुके थे, परंतु वास्तव में सूफी मत की भारत में वास्तविक शुरुआत अबुल हसन अल हुजवीरी के द्वारा हुई, जब उन्होंने अपनी पुस्तक कशफुल महजूब की रचना की। वे लाहौर में एक बंदी की स्थिति में लाए गए थे। सूफी मत की दीक्षा उन्होंने बगदाद से प्राप्त की। वे अविवाहित जीवन के समर्थक थे और स्वयं भी उन्होंने विवाह नहीं किया। उनकी इतनी प्रतिष्ठा थी कि कालांतर में जितने भी सूफी भारत से बाहर आए, वे उनके समाधि पर उपस्थित हुए। कशफुल महजूब की रचना उन्होंने अपने जीवन के अंतिम काल में की। उनकी मृत्यु लाहौर में हुई, जहां उनकी कब्र अभी भी विद्यमान है। उन्होंने सूफी मत को इस्लाम धर्म के सच्चे रूप का प्रतीक माना और इसी दृष्टिकोण से उसका प्रसार किया। हुजवीरी के बाद प्रसिद्ध सूफी संतों में बाबा फखरुद्दीन का नाम उल्लेखनीय है। ये दक्षिण में पेनुकोंडा में रहते थे। एक अन्य प्रभावशाली सूफी सैयद मोहम्मद बंदा निवाज यसुदराज हुए। इनकी रचना मेराजुल आस्किन को हिंदी भाषा का आदि रूप उपस्थित करने वाली पुस्तक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भारत में अनेक सूफियों ने प्रचार किया, किंतु वे अपना स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ पाए। भारत में सूफी मत का प्रभाव डालने वाले सिलसिलों में चार सिलसिले प्रमुख हैं: चिश्तिया, सोहरावर्दिया, कादिरिया और नक्शबंदिया से संबंधित सूफी संतों ने यहाँ पर्याप्त प्रचार किए। सूफी दर्शन एवं सिद्धांत क्या है, इस बारे में भारत में वेदांत धर्म और दर्शन और यूरोप में धार्मिक पुनर्जागरण की लहर जब फैल रही थी,
अतः सूफी दर्शन एवं सिद्धांतों का समकालीन घटनाओं पर भी प्रभाव पड़ा। सूफी धर्म में प्रेम को महत्व दिया जाता है। सूफी लोग ईश्वर को एक मानते हैं। वे ईश्वर को अपने प्रियतमा के रूप में स्वीकार करते हैं, जिसकी खोज में आत्मा रूपी प्रियतम समस्त सांसारिक सुखों का त्याग कर चला जाता है। साधक को चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इष्ट रूपी मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है। इनका मानना है ईश्वर अमर सौंदर्य है तथा उसकी प्राप्ति प्रेम संगीत से की जा सकती है। अतः इस धर्म में सौंदर्य और संगीत को अधिक महत्व दिया गया है। सूफी लोग लौकिक प्रेम में पढ़कर ईश्वरीय प्रेम का अनुभव और तसव्वुर एवं सौंदर्य पूजा में ईश्वर के सौंदर्य का साक्षात्कार करते हैं। अतः प्रेम के मार्ग का अनुसरण करके विभिन्न अवस्थाओं को पार कर चरम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील रहते हैं। सूफियों की मान्यता है कि ईश्वर निर्गुण है। उनकी मान्यता है कि मनुष्य में तीन प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक। आत्मिक प्रवृत्ति को शुद्ध करने से व्यक्ति उच्च व पवित्र बन जाता है, लेकिन यह कार्य गुरु के पथ प्रदर्शन से ही संभव है। सूफियों ने साधक को कुछ हिदायतें दी जो निम्न प्रकार है। स्वभावतः मनुष्य कामी, क्रोधी, लालची और बंधन युक्त होता है। यह मनुष्य की उबुद्धियत की अवस्था है। उबुद्धियत की अवस्था में साधक का कर्तव्य है कि वह अपने पापों के लिए पछतावा, तौबा करे और विश्वास अर्जित करे। तत्पश्चात उसको शरीयत के अनुसार नमाज, रोज़ा, तौहीद, ज़कात और हज का पालन करना चाहिए, ताकि दुर्गुणों का नाश हो और वे खुदा के इश्क में पड़े। जब वह पूर्णतः अनुशासित हो जाता है तो वह तरीकत अवस्था में प्रवेश करता है। तरीकत में साधक को गुरु की आवश्यकता होती है, जो उसको आचरण शुद्धि तथा प्रवृत्तियों का संयम रखने हेतु आदेश देता है और उन्हें निरंतर अभ्यास की ओर ले जाता है, जिससे उसे ईश्वर की अनुभूति हो सके। शिष्य को गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए, क्योंकि गुरु पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। गुरु की प्रत्येक आज्ञा शिरोधार्य होनी चाहिए। गुरु के आदेश अनुसार उसे संस्मरण यानी जिक्र में भाग लेना चाहिए। जिक्र दो प्रकार के हैं, जिक्र अली चिल्लाकर मंत्रोच्चारण करना और जिक्र खफी यानी हृदय की एकाग्रता के साथ मंत्रोच्चारण करना। दोनों का मंत्र ला इल्लिल्ला इल्लिल्ला ही है। जिक्र के साथ मुराकेबा नामक क्रिया भी की जाती है, जिसमें हृदय की व्याकुलता को दूर करने के लिए कुरान का पाठ, रोज़ा और भोजन एकत्र करना पड़ता है। मारिफत की अवस्था दयालुता और कृपालुता से प्राप्त होती है। इससे मस्तिष्क देवी ज्ञान से प्रकाशित होता है और हकीकत की अवस्था में साधक को सात्विक ज्ञान की प्राप्ति होती है। फना की अवस्था में सांसारिक प्रवृत्तियों का विनाश होता है और साधक ईश्वर उन्मुखी हो जाता है। साधक की अंतिम अवस्था बका कही जाती है, जिसमें साधक और प्रियतमा ईश्वर के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है और वो दोनों एक रूप हो जाते हैं। साधक स्वयं ईश्वर हो जाता है, अनल हक, और इस अवस्था का फिर कभी अंत नहीं होता है। सूफी मत के सिद्धांतों का विवेचन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला, सूफी धर्म में गुरु का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यह संसार के अंधकार रूपी बिहड़ वन से शिष्य को बाहर निकालता है। गुरु अपने ज्ञान रूपी दीपक से शिष्य को मार्ग दिखाता है और अभीष्ट तक पहुंचाता है। गुरु की परिचर्या एवं सेवा शुश्रूषा से साधक को विश्वास हो जाता है कि वह सन्मार्ग का पथिक हो चुका है। दूसरा, ईश्वर एक है, अतः हमें इसकी एकता में अटूट विश्वास करना चाहिए। संसार की प्रत्येक वस्तु ईश्वर द्वारा प्रदत्त है और हमें और संपूर्ण विश्व उसके दिव्य प्रकाश से ही आलोकित है। एकत्व से तात्पर्य दो पदार्थों
अर्थात ईश्वर और जीव का मिलना नहीं वरन अद्वैत भावना से जिसमें मैं और तू का अंतर समाप्त हो जाता है। तीसरा, ईश्वर सौंदर्यमय है तथा प्रेम के द्वारा उसे प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर ने अपने ही सौंदर्य पर मुग्ध होकर अपने को प्रदर्शित किया है। यदि ईश्वर में सौंदर्य न होता तो संसार इतना सुंदर भी नहीं होता। प्रेम से कांटे भी पुष्प बन जाते हैं। यदि ईश्वर के सच्चे प्रेमी से प्रश्न कहा जाए कि तुम कहाँ से आए, तो उत्तर मिलेगा प्रियतम के पास से। तुम्हें कहाँ जाना है, तो उत्तर मिलेगा प्रियतम के पास। तुम क्या चाहते हो, तो मिलेगा अपना प्रियतम। यह प्रियतम की रटना कब तक रहेगी, जब तक उनका मिलन ईश्वर के साथ नहीं हो जाता है। चौथा, हृदय एक शीशे के समान है जिसमें ईश्वर की प्रतिछाया दिखाई पड़ती है, किंतु यह तभी संभव है जब हृदय को सांसारिक प्रलोभनों से दूर रखा जाए, क्योंकि जब हृदय पवित्र होगा तभी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। पांचवा, मनुष्य एक श्रेष्ठ प्राणी है, अतः यह पूर्णता की उच्चतम श्रेणी तक पहुंच सकता है। मनुष्य की आत्मा उसके शरीर से भिन्न है। मनुष्य की आत्मा पवित्र है, तथापि उसकी एक कमजोरी है कि वह बुरे कर्मों से शीघ्र ही प्रभावित हो जाती है, किंतु फिर भी उसकी अच्छी प्रवृत्ति उसे अच्छे रास्ते की ओर हमेशा अग्रसर करती रहती है। छठा, यदि मनुष्य के कर्म अच्छे हैं, उसकी मृत्यु उसे ईश्वर के समीप ले जाएगी। अतः साधक को जो पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं, मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग और नर्क ईश्वर के समीपता पूरी के प्रति प्रदान करता है। तो दूसरा, कष्ट और परेशानी। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है, सूफी धर्म प्रभावशाली धर्म दर्शन और सिद्धांतों के नींव पर आधारित है, जिसका भारत में अत्यधिक प्रचार और प्रसार हुआ। यह धर्म एक और कुरान की शिक्षाओं पर आधारित है, दूसरी ओर वेदांत का प्रभाव भी इस पर परिलक्षित होता है। अतः यह हिंदू और मुस्लिम विचारधाराओं का सम्मिश्रण कहा जा सकता है। इस प्रकार सूफी धर्म इस्लाम में रहस्यवाद का धर्म कहा जा सकता है, जो ईश्वर और ईश्वर के एकत्व में विश्वास रखता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।